रुपया छ हज़ार की खरीदी कर रकम चेक थी चूकवी 20,000 बराबर ने। ओके तो पहली बात तो हमारे पास कुछ आ रहा है या जा रहा है? हाँ हमारे पास कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है? आ क्या रहा है? माल आ रहा है ना, तो माल आ रहा है तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? खरीदी लिखूँ, खरीद खातों, हिंदी में लिखूँ? निकिता कुछ पूछना है तुमको? कौन सा 19वां? हाँ 19वां देख लेते हैं। लोन का ब्याज 350 चुकाया, हमारे पास कुछ गया या कुछ आया? तो हाँ पैसा गया है ना, पैसा गया तो क्या लिखेंगे? रोकड़, रोकड़ खाता। रोकड़ खाते में क्या होता है? यहाँ पे रोकड़ा जा रहा है ना, तो रोकड़ा तो माल संपत्ति खाता होता है। तो उसमें जा रहा है, जाता है। हाँ 350, हाँ वो आएगा ना, लोन का ब्याज जो है वो तो उपज खर्च खाते में आएगा, लेकिन रोकड़ा तो जा रहा है ना, तो 340 रोकड़ा जा रहा है, उसमें हमारा रोकड़ संपत्ति कम हो रहा है 340 का, 350 का है ना। ओके चलो उसमें दूसरा ये तो बंद हो गया। तीन सौ पचास सॉरी। अभी क्या करना है दूसरा? अभी जो लोन का ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, लोन का ब्याज है वो ब्याज हमारे लिए उपज खर्च खाता बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? उपज खर्च है ना, क्योंकि ब्याज क्यों हमें चुकाना पड़ेगा? क्योंकि हमने किसी के पास पैसे का, नाणा का, पूंजी का, मतलब नाणा मतलब मुद्रा का सेवा लिया होगा है ना, तो हमें उसके बदले में कुछ चुकाना पड़ेगा, तो ये सेवा के बदले में चुकाने वाली चीज़ है तो वो हमारा खर्च हो जाएगा। तो खर्च हो जाएगा कितना? खर्च या नुकसान, उधारो, उपज या आवक, जमा करो, तो यहाँ पे खर्च उधार बाजू आएगा। खर्च हो जाएगा तो मालिक को नुकसान होगा, तो पूंजी में भी कमी हो जाएगी। क्लियर हुआ? सोलहवां देख लेते हैं।
तो 16वां में लिखे 200 रुपया बैंक ब्याज का जमा किया, बैंक ने ब्याज का जमा किया, मतलब हमारी जो बैंक खाता है तो उसको बैंक को हमने पैसा दिया था संभालने के लिए दिया था, है ना। लेकिन हमने बैंक को पैसा दिया था, यूज़ करने के लिए भी दिया था और संभालने के लिए भी, तो बैंक ने उसका यूज़ किया और हमारे लिए यूज़ करके हमको ब्याज दिया, तो हमारे लिए वो उपज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपज खर्च। तो लेकिन उपज खर्च हमारे लिए होगा, लेकिन ये बैंक खाता क्या होगा, तो व्यक्ति खाता है, है ना। व्यक्ति खाता जो है, तो बैंक खाता जो है, बैंक हमारे हमको क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है कि दे रहा है, तो यहाँ पे हमको ब्याज दे रहा है, लेकिन ब्याज के बदले वो लाभ ले रहा है, किसी और से ब्याज ले रहा है, तो लेता है, है ना। तो बैंक ब्याज मतलब बैंक खाता हो जाएगा, उधार कितना जमा किया उसने 200 रुपया, है ना। और बैंक व्यक्ति खाता है, तो या तो लेना होता है या तो देना होता है, हमारे लिए लेना हो जाएगा क्योंकि हमें बैंक से 200 रुपया लेना पड़ेगा और एक्स्ट्रा हमारे लेने में वृद्धि हो जाएगी, 200 रुपया हमें बैंक से और ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, उसमें है बैंक, तो बैंक हमारे खाते में ब्याज का पैसा जमा करेगा तो हमारा रकम तो उसमें बढ़ जाएगी ना, तो ब्याज खाता, बैंक ब्याज क्या है हमारे लिए, उपज खर्च का नियम लगेगा क्योंकि हमारे लिए वो आवक है, फायदा है, तो यहाँ पे उपज है, तो खर्च या नुकसान उधारो उपज या आवक जमा करो, तो यहाँ पे जमा साइड लिख देते हैं, और ये उपज खर्च है तो ये तो मालिक को फायदा होने वाली बात है, मालिक मतलब पूंजी, पूंजी में लिख देते हैं प्लस 200, क्लियर। 100 का माल है ना, 1500 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए, हिंदी में क्या लिखा है, निजी उपयोग के लिए ले गए, धंधे में से निजी उपयोग के लिए ले गए, तो धंधे में से माल तो गया ना, लेकिन माल कौन से कारण से गया, आहरण से गया, कैसे गया, उसको क्या बोलेंगे, निजी उपयोग के लिए ले जाएंगे तो आहरण, तो यहाँ पे आएगा आहरण खाता, क्या आएगा, आहरण खाता। आहरण खाते में क्या होगा, धंधे को मालिक कुछ देता है तो उसको पूंजी बोलते हैं, लेकिन धंधे में से मालिक कुछ ले जाता है तो उसे आहरण मतलब उपाड़ बोलते हैं, धंधे में से उसने उठाया पैसा ऐसा, तो यहाँ पे पैसे के बदले उसने क्या उठाया, माल उठाया है, तो आहरण खाता। लेकिन यहाँ पे आहरण खाता, चलो आहरण खाता लिख देते हैं, पहले तो आहरण से गया माल खाता लिखते हैं, आहरण से गया माल, आहरण से गया माल, ओके। तो आहरण से गया माल खाता, तो ये माल खाता है इसलिए माल संपत्ति खाता लिख सकते हैं, माल संपत्ति खाते का नियम क्या है, आए तो उधर जाए तो जमा, धंधे में से माल जा रहा है मालिक के पास भले जा रहा है, लेकिन धंधे में से तो जा रहा है ना, तो जाए तो जाता है, जाए तो जमा साइड लिखना पड़ेगा, कितना माल गया, 1500 का माल गया, माल गया तो संपत्ति में कमी होगी 1500 की, ओके। दूसरा, आहरण से माल तो गया लेकिन वो आहरण खाता, मालिक का आहरण खाता होगा, उसमें एंट्री होगी, आहरण खाता मतलब मालिक का ही खाता है, लेकिन ये पूंजी खाते का उल्टा है ना, पूंजी में मालिक पैसा ला के आता है, आहरण में मालिक पैसा लेके जाता है, तो मालिक पैसा लेके जाएगा तो व्यक्ति खाता ही बनेगा ना, है ना, व्यक्ति खाता है, तो व्यक्ति खाता लाभ लेने वाला खाता, उधर लाभ देने वाला खाता जमा, यहाँ पे व्यक्ति खाता मालिक खाता लाभ लेने वाला है क्योंकि वो लेके जा रहा है, लेने वाला है ना, लेने वाला खाता क्या होगा, उधार होगा, बटन दूसरे दब जाते हैं ना, लाभ लेने वाला खाता उधार कितना, 1500, जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है मालिक है, तो मालिक का आहरण हुआ तो उसकी पूंजी में कमी हो जाएगी क्योंकि पूंजी से उल्टा है, क्लियर।
2000 बीमा प्रीमियम का चेक से चुकाया, बीमा प्रीमियम हमारे लिए खर्च हो जाएगा, लेकिन चेक से चुकाया तो बैंक खाता जाएगा। बैंक हाँ नंबर 15 डाल दिया, नौवा क्वेश्चन डालना है ना। ओके हाँ। चलो बैंक खाता होगा क्योंकि बैंक से पैसा गया है, तो बैंक खाता तो व्यक्ति खाता है ना, उस व्यक्ति खाता हमने हमारी तरफ से वो बैंक में से पैसा कम होगा ना, बैंक लाभ देने वाला हुआ तो देने वाला खाता क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो कितना रुपया है, 2000 रुपया जमा हो गया है ना, बैंक में से पैसा गया तो बैंक व्यक्ति है, तो हमें उस बैंक से लेना था, वो लेना हमारा कम हो गया है ना, तो माइनस 2000। ओके दूसरा ले लेते हैं, बैंक खाता उसके बाद दूसरा ले लेते हैं। हाँ तो 2000 का बीमा प्रीमियम क्या होता है, हमारे लिए खर्च होता है। इससे क्या होता है, बीमा प्रीमियम भरने से क्या होता है, हमारा जो नुकसान है उसको हम नुकसान के सामने रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क मतलब जोखिम को कम कर सकते हैं है ना। अचानक अगर 10000 का माल बिगड़ गया या जल गया है ना, तो बीमा प्रीमियम वाले उसमें से हमको पैसा देते हैं थोड़ा बहुत, तो उसका पूरा स्टोरी है वो आप ओसी में पढ़ोगे, तो बीमा प्रीमियम क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके तो बीमा प्रीमियम हमारे लिए, हम प्रीमियम भरते हैं इसलिए हमारे लिए खर्च खाता होता है, तो ये उपज खर्च का नियम लगेगा यहाँ पे। बीमा कंपनी हमको एक सेवा देती है, क्या देती है, सेवा, और ये हमारा हो गया खर्च। खर्च खाता क्या होता है, हमेशा उधार होता है, उपज या नुकसान, खर्च या नुकसान उधार करो, उपज या आवक जमा करो, तो खर्च होता है, तो मालिक को तो नुकसान होगा, तो मालिक मतलब पूंजी में से माइनस होगा 2000। क्लियर।